अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? मैं कहता हूँ ठीक होंगे। तो गाइस आज जुनान भाई कह रहे थे पार्टी उनने मुझे कह रहे हैं आओ पाकिस्तान चले हैं, तो उधर जा रहे हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस जुनान भाई बाहर आ गए हैं, ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या छपरा चले या इधर जब्बी वाली साइड चले? जिधर आपकी मर्जी, कौन सी दुकान अच्छी है? छपरा वाले तो गया हूँ कल मैं, उधर फिर वही मिला नहीं है इस तरह। चलो देखते हैं हम जितने मुनासिब समझते हैं फिर हम उधर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं रास्ते के मनाजर। हाँ जी बना भाई, पैसे डाल आए? जी भाई डाल आए अभी। चलो जी हम आप जाने लगे बात, बहुत ही इतना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है इधर। हम चलो जी ये भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम अभी जा रहे हैं ग्राउंड में, उधर हमारे उधर एक बेली के नाम से मशहूर है, क्यों सुनान भाई? बिल्कुल अभी जाएंगे क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, पांच बजे चेक कराएं, ये ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं, ये हवाएं आपका सॉन्ग भी आनी यार। वो नहीं, वो रहने दे, वो बाद में करेंगे। ये हवाएं तेरे बिन परेशान है यार। हाँ, ये हवा तो यहाँ से आगे मेरे भाई को भी देना यार। गाइस आगे से हम शमनेश भाई को लेना है साथ, फिर चलते हैं यार। पैदल चलें या बाइक पर चलें? पैदल पैदल जाएंगे, पैदल बेहतर है। पैदल बेहतर, शमनेश भाई कहेंगे कि बाइक ना लेके आए, पैदल ही जाएंगे। वो कार भी आई हुई है शमनेश भाई की? नहीं कार पे नहीं है, पैदल जाएंगे। हाँ यार वैसे भी पेट्रोल बहुत है बट महंगा। देखे स्टूडेंट आ रहे हैं, हमारे अफ्ताब भाई हैं। यूनिवर्सिटी से भाग रहे हैं। अफ्ताब भाई आप कहाँ पढ़ते हैं? मॉस यूनिवर्सिटी में। आपने यार अफ्ताब भाई आप हमें ये बताएंगे यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, आपने कैसा देखा है यूनिवर्सिटी का माहौल? आप जाएंगे तो आप जाते रहे यार, कुछ बताएं ना, कितना अर्सा हो गया आपको जाते हुए यूनिवर्सिटी में? डेढ़ साल हो गए। डेढ़ साल है, तब तक आपने देख लिया होगा सब कुछ यूनिवर्सिटी का माहौल के बारे में आपको, तो बताएं आप पॉजिटिव हमें बताएं ना कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में। बहुत इजी लाइफ है, आप जाएंगे तो पता चल जाएगा। वो फ्री माहौल होता है, जो करना होता है बंदे ने खुद ही करना होता है, खुद नहीं करवाना भी पड़ता है, मतलब के खुद ही बंदे मारो तो करना होती है। तो आफ्ताब भाई ये हमारे उधर से ना गांव के पिंडा वाले, ये देखें, ये देखें जी फरक भाई हैं हमारे, ये देखें, ये फरक भाई को ज्यादा काम का शौक है, यूनिवर्सिटी से अभी आए। और बिलाल भाई कह रहे हैं मैं इधर आते साथ ही रास्ते में कॉल आई है इनको कि ये जमीन का काम आपने करना है, तो देखें ये या जो शहरी लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं फरक भाई भी, ये देखें जी अभी थोड़े बहुत में मशगूल हैं, चेक करें जी शहरी लोग होते हैं वो तो नहीं ये काम करते। ये फरक भाई पिछले दिनों बहुत बीमार हो गए थे, फरक भाई क्या हुआ था इनका पता है आपको? इनको पैंडस का ऑपरेशन, पैंडस का ऑपरेशन। अगर फरक भाई से बात करते हैं अगर वो
अगर बात करना चाहें हमसे तो उनके पास जाते हैं, वहाँ पर बिलाल गेमिंग वाई टी भी बैठे हुए हैं। तो चलते हैं फाल भाई उनके पास चलें, या फिर उनको इधर ही बुला लें, क्योंकि ये रास्ता तो मुझे ख़राब नज़र आ रहा है। ये देख चेक करें आप, चलें जी वो उनको उधर ही बुला लेंगे। ये हमारे फरक भाई भी आए। वालेकुम सलाम फरक भाई, ठीक ठाक फाद भाई कुछ बता रहे थे, फरक भाई बीमार हो गए थे। फरक भाई क्या हुआ था आपको, और कुछ बताए ना? नहीं हमें पता ही नहीं था, इस वजह से आप बता दो। तो क्या हुआ था फरक भाई? नहीं हमारी ऑडियंस को आपकी फिक्र नाहक होगी होगी। ये हमारे बिलाल गेमिंग वाइटी हैं, बिलाल गेमिंग चप्पल वाइटी, चप्पल वाइटी ये चेक करेंगे। ये देखे जी पास चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे दिलियान भाई ऊपर शर्मा गए पता नहीं क्यों। तो अभी फाज भाई के व्लॉग का ध्यान करते हैं, उम्मीद है कि फाज भाई का व्लॉग आपको पसंद नहीं आया होगा। तो अगर नहीं पसंद आता तो ना देखें, कोई जरूरत भी नहीं है देखना। चले जाए।